वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। बालों का गिरना, गंजापन, सफेद होना, डेंड्रफ, स्प्लिट एंड, जड़ों का कमजोर होना, बालों का रूखा हो जाना, चमक रौनक नहीं रहना बालों में, एलोपेशिया, ये सारी प्रॉब्लम, मतलब बालों से रिलेटेड ढेर सारी प्रॉब्लम है। हमने कोशिश की है आज कि इन सारी प्रॉब्लमों का एक सोल्यूशन निकालें, हम एक ऐसा पैकेज बनाएं जो कि इन सारी प्रॉब्लमों को ही एड्रेस कर सके। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा एक ऐसा हेयर पैक जिसमें शैम्पू का भी काम करेगा, जो आपके बालों को नरिश भी करेगा, नए बाल उगाने में बहुत हेल्पफुल है, बालों का वॉल्यूम बढ़ाएगा। ये सारी चीजें, जितनी भी बालों के लिए अच्छी हर्ब्स होती हैं, सारी हर्ब्स इसके अंदर होंगी और बिना किसी केमिकल के ये आपके बालों को बहुत अच्छा नरिशमेंट देगा। आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे, नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे और जड़ें आपकी मजबूत हो जाएंगी। इसका नाम दिया है हमने सिक्योर रूट्स। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं। कैसे बनाना है ये मैं सिखाता हूं। इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रखिएगा और एक 50 ग्राम का कंपोजिशन मैं आपको बताता हूं। 50 ग्राम कैसे बनाना है, ये 50 ग्राम का एक कंपोजिशन आपको बताता हूं। आपको जितना भी बनाना हो, जितनी भी क्वांटिटी में बनाना हो, उसी रेशियो में आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेने हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आयुर्वेदिक शॉप पे आप जाएंगे तो वहां पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या डालना है, सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हिबिस्कस, जासवंत। जासवंत का पाउडर लेंगे। ये क्या करता है, बालों का गिरना रोकता है, स्प्लिट एंड दूर करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है और नए बाल उगाने में भी हेल्पफुल रहता है। तो ये हम डालेंगे 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम हम जासवंत का पाउडर डालेंगे। सेकंड जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो है आंवला। आंवला क्या करता है, बालों को काला करता है, ये आपने सुना है, जड़ों को मजबूत करता है, नए बालों को उगाने में भी हेल्पफुल होता है, साथ में बालों को चमकीला बनाता है। तो आंवला पाउडर जो है ये हम डालेंगे इसमें 1.5 ग्राम। तीसरा जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रहा हूं वो है संतरे के छिलके का पाउडर, ऑरेंज पील पाउडर। अब इसका काम क्या है, देखिए हमारे बालों में ना बहुत एक्स्ट्रा ऑयल आ जाता है, सीबम जिसको कहते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है, ये इसको दूर करता है, बालों को चमकीला बनाता है, डेंड्रफ की जो प्रॉब्लम है इसको भी दूर करता है ये। तो संतरे के छिलके का जो पाउडर है वो हम डालेंगे 1.75 ग्राम्स। अगला जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रहा हूं उसका नाम है नागर मोथा, ये हम लेंगे 2.5 ग्राम। इसका काम क्या है, देखिए बाल जो गिरते हैं ना डेंड्रफ के कारण बाल बहुत गिरते हैं, तो ये डेंड्रफ के कारण गिरने वाले बालों को रोकता है, साथ ही नए बालों को उगाने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट गुलाब की पत्ती का पाउडर, रोज पेटल पाउडर, ये हम लेंगे 0.5 ग्राम। देखिए अब रोज की पत्ती का क्या काम है, एक तो स्कैल्प को क्लीन करता है, बालों को चमकदार बनाता है, कंडीशन करता है, साथ ही एक बहुत अच्छी सी खुशबू देता है। हम इसमें सारी नेचुरल खुशबुओं का इस्तेमाल करेंगे। अगला जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रहा हूं वो है तुलसी का पाउडर। ये क्या करता है, स्कैल्प को मॉइस्चराइज करता है, हमारे जो रूखा स्कैल्प हो जाते हैं, रूखे बाल हो जाते हैं, उसको मॉइस्चराइज करता है, साथ ही नए बाल उगाने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, बालों को काला करता है। तुलसी की ये भी खासियत है, तुलसी का पाउडर बालों को काला करने में भी हेल्पफुल रहता है, वो भी कौन से असमय, जो कम यंग एज में भी बाल सफेद होने लगते हैं उनको वापस से उसका कलर मेंटेन करता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम ले रहे हैं वो है खस, खस का पाउडर, ये हम लेंगे 0.75 ग्राम खस। खस का काम क्या है, बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। एक तो ये जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं इसमें हम सारी नेचुरल खुशबुओं का इस्तेमाल करेंगे और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे अपने बालों पे तो एक बहुत ही बढ़िया बिना किसी आर्टिफिशियल फ्लेवर के नेचुरल खुशबू आएगी। तो ये जो खस है ये कंडीशन भी करेगा आपके बालों को और एक बहुत बढ़िया सी खुशबू भी देता है और जड़ों को भी मजबूत करता है। अगला इंग्रेडिएंट जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं वो है चंदन का पाउडर। ये क्या करता है, हमारे बालों में जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है उसको निकालता है और अपने एक नेचुरल ऑयल भी छोड़ता है और जैसा मैंने बताया नेचुरल खुशबू है, तो ये जो रूखे रूखे से बाल हो जाते हैं उनको दूर करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगला जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रहा हूँ वो है मुल्तानी मिट्टी का पाउडर, फुलर अर्थ पाउडर। मुल्तानी मिट्टी का पाउडर क्या करता है, जो उलझे उलझे बाल होते हैं
उनको मुल्तानी मिट्टी जो होती है उनको स्ट्रेट कर देती है, सीधा कर देती है, और रूखे बालों को दूर करती है, डेंड्रफ दूर करती है, अगर बालों में एक्स्ट्रा ऑयल है तो उसको भी रिमूव करती है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है कपूर काचली। कपूर काचली का क्या काम है, एक तो खुशबू बहुत अच्छी है, नेचुरल खुशबू एक आ जाएगी, ये भी डेंड्रफ को दूर करने में हेल्पफुल रहती है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाती है और नए बाल उगाने में बहुत हेल्पफुल है। और कपूर काचली भी आप 2.5 ग्राम ही इस्तेमाल करेंगे। अगला जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रहा हूं वो है नीम की पत्ती का पाउडर, ये हम 1 ग्राम लेंगे। ये क्या करता है कि जो हेयर फॉलिकल्स की कई बार ना बालों में इन्फेक्शन जाने लगता है जिसके कारण बाल गिरते हैं, तो ये हेयर फॉलिकल्स यानी बालों की जड़ों को ना सील कर देता है जिससे इन्फेक्शन अंदर नहीं जा पाता है, डेंड्रफ को दूर करता है और नए बाल उगाने में भी हेल्पफुल रहता है, और किसी भी इन्फेक्शन के कारण अगर हमारे बाल गिर रहे हैं तो उनको भी दूर करता है, उनको रोकता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है ब्राह्मी, ये हम लेंगे 1.75 ग्राम। ब्राह्मी स्ट्रेस के कारण जो बाल गिरते हैं ना उनको रोकता है। बालों के गिरने का एक मुख्य कारण जो आजकल यंग एज में बाल गिर रहे हैं स्ट्रेस है, तो ये स्ट्रेस के कारण जो बाल गिरते हैं उनको रोकता है, माइग्रेन सरदर्द इसकी प्रॉब्लम में भी दूर करता है, नींद भी अच्छी लाता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। तो हम इसमें मिलाते हैं अब ब्राह्मी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बार। अगला जो इंग्रेडिएंट मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं वो है मक्का रूट पाउडर, ये हम लेंगे 1.75 ग्राम। ये जड़ों को नॉरिशमेंट देता है, जड़ें जो कमजोर हो जाती हैं उनको मजबूत बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम लेंगे वो बकुची, ये हम लेंगे 0.5 ग्राम। डेंड्रफ को रोकता है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो तो उसको दूर करता है और बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, नए बाल उगने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रहा हूं वो है जटामासी का पाउडर, ये हम लेंगे 2.75 ग्राम। ये जो है बालों का गिरना रोकता है और जितने भी हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जटामासी होता ही है, नए बाल उगाने में बहुत हेल्पफुल होता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है नींबू के छिलके का पाउडर, लेमन पील पाउडर। ये क्या करता है, ये स्कैल्प में कोलेजन बढ़ाता है, और कोलेजन बढ़ने से क्या होता है, नए बाल उगते हैं, पुराने बालों का गिरना भी बंद हो जाता है, बाल जो उनके रूखे हैं वो बाल चमकीले हो जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाता है बालों का और स्कैल्प को क्लीन कर देता है। तो लेमन पील पाउडर हम लेंगे 1 ग्राम। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट मैं लेने जा रहा हूं वो है कचोरा, ये हम लेंगे 2 ग्राम। ये क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने से हमारा दिमाग की तरफ बालों के हेयर फॉलिकल्स की तरफ ब्लड का सर्कुलेशन होता है जिससे कि हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं वो मजबूत हो जाते हैं, उनको न्यूट्रिशन मिलने लगता है, इससे दिमाग भी शांत रहता है, नींद भी अच्छी आती है और स्ट्रेस के कारण जिनके बाल गिर रहे हैं उसको दूर करने में ये बहुत हेल्पफुल रहता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है हरड़, 1.5 ग्राम हरड़ का हम इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करता है, बालों की जड़ों को मजबूत करता है, सिक्योर करता है, जैसे कि इस प्रोडक्ट का नाम है हमने सिक्योर रूट रखा है, तो ये जड़ों को सिक्योर करता है जिसके कारण बाल गिरने बंद हो जाते हैं और नए बाल उगाने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है कुस्टा पाउडर, ये हम मिलाएंगे 1.25 ग्राम। सरदर्द, माइग्रेन, ये सारी प्रॉब्लम, ब्लड का सर्कुलेशन अगर ढंग से नहीं हो रहा है स्कैल्प की तरफ, उसको इम्प्रूव करने में ये कुस्टा पाउडर बहुत हेल्पफुल होता है, बालों का गिरना बंद करता है, नए बाल उगाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है शीकाकाई, इसका हम लेंगे लगभग 7 ग्राम। ये क्या करेगा, बालों को कंडीशन करेगा, बालों को चमकदार बनाएगा, बालों का गिरना रोकेगा, नए बाल उगाने में हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शीकाकाई का पाउडर ये हम मिला देते हैं 7 ग्राम। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है बहेड़ा, ये हम मिलाएंगे 1.5 ग्राम। ये क्या करेगा, डैंड्रफ को दूर करेगा और बालों का गिरना रोकेगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट अब जो हम मिलाने जा रहे हैं वो है भृंगराज पाउडर। भृंगराज क्या करेगा, बालों का गिरना रोकेगा, जिनके बाल सफेद हो गए उन्हें दोबारा काला करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, नए बाल उगाने में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो 2.5 ग्राम हम मिला देते हैं भृंगराज का पाउडर।
अब हम मिलाएंगे इसमें मेथी दाना का पाउडर, 1 ग्राम के लगभग हम मेथी दाने का पाउडर मिलाएंगे। मेथी दाने का पाउडर क्या करता है, जड़ों को नॉरिश करता है, नॉरिशमेंट देता है जड़ों को, जिसके कारण बाल गिरने कम हो जाते हैं और नए बाल उगाने में भी मेथी दाना काफी हेल्पफुल रहता है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1.75 ग्राम ड्राई एलोवेरा, एलोवेरा का पाउडर। ये क्या करता है, इची स्कैल्प हो जाता है, कई बार स्कैल्प में बड़ी खुजली खुजली सी होती रहती है, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम को दूर करता है, कंडीशन करता है, बालों को चमकदार बनाता है, स्कैल्प को हाइड्रेट करता है। अगर स्कैल्प बहुत रूखा रूखा है तो उसको हाइड्रेट करने में हेल्पफुल रहता है। नए बाल उगाने में भी एलोवेरा का काफी बड़ा योगदान रहता है। अब हम इसमें मिलाएंगे मेहंदी का पाउडर, 1 ग्राम के लगभग मेहंदी का पाउडर मिलाएंगे। मेहंदी जैसा आप सब जानते हैं कि जो बाल असमय सफेद हो रहे हैं उनको दूर करता है, कंडीशन भी करता है बालों को, जड़ों को मजबूत बनाता है। मेहंदी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, खासतौर पर जो बाल बहुत रूखे हो जाते हैं उनको भी दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, और बाल सफ़ेद होने की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में काफ़ी मददगार होता है, कलर भी करता है बालों को। तो 1 ग्राम मेहंदी का पाउडर मिला देते हैं। अब हम मिलाएंगे इसमें 0.75 ग्राम सीताफल के बीज का पाउडर। अब सीताफल के बीज का पाउडर क्यों मिला रहे हैं, जैसा मैंने कहा है कि ये हेयर के लिए, स्कैल्प के लिए एक कंप्लीट पैकेज है। कई लोगों के बालों में जूं हो जाते हैं, जूए पड़ जाते हैं, तो ये सीताफल के बीज का अगर हम पाउडर मिला के इसमें मिक्स कर देते हैं तो ये क्या करता है, उन जूओं को भी खत्म करता है, बालों को काला करने में भी हेल्पफुल रहता है, और डेंड्रफ को दूर करता है। अगर बहुत ज्यादा आपको डेंड्रफ है तो डेंड्रफ दूर करने में काफी मददगार होता है। तो 0.75 ग्राम हम इसमें मिला देंगे सीताफल के बीज का पाउडर। अब जो हमारा लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है रीठा, यानी कि सोपनट, रीठे का पाउडर। ये हम इस्तेमाल करेंगे 5 ग्राम। ये क्या करेगा, ये एक तो जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे एज शैम्पू तो बड़ा अच्छा झाग देगा आपको, बालों को क्लीन करेगा, स्कैल्प में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको भी निकाल देगा, हाइड्रेट भी करेगा, किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको दूर करेगा, और बालों में पसीना वगैरह जो जमा हो जाता है वो क्लीन करेगा, आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, ढंग से इसको मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद इसको एक बॉटल में भर लेना है। भरने के बाद ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया है, सिक्योर रूट्स, आपकी आपके बालों के लिए कंप्लीट पैकेज है ये, कंप्लीट पैकेज का काम कर रहेगा, मतलब किसी भी तरह की बालों की प्रॉब्लम है वो आपकी दूर हो जाएगी। जैसे कि मैंने सारे इंग्रेडिएंट का बताया, बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है, और मार्केट में इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है जिसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट हो। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट घर पे बनाना है तो आयुर्वेदिक शॉप पे जाइए, ये हर्ब्स लीजिए, जो कंपोजिशन मैंने बताया है उसी कंपोजिशन पे आप इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके और घर पर बना लें, इस्तेमाल करके देखें, आपको जादू जैसा फायदा होगा बालों के लिए। और किसी भी तरह के शैम्पू और बाकी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं बालों से रिलेटेड, उन सबको बंद कर देना, ये प्रोडक्ट अपने आप में ही कंप्लीट पैकेज का काम करता है, आपके पूरे जैसे मल्टीविटामिन होते हैं ऐसे ही बालों के लिए मल्टीविटामिन का काम करेगा, आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। और अगर आप ये प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे हैं घर पे और आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 9082130828, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके ये सिक्योर रूट्स मंगवा सकते हैं। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों को बोलें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे लाभ पाएं, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएं, और हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।